सांडे ने हमारा रास्ता रोक रखा है। नाक फुलाई थी ऐसे पूरा मारने को आ रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज भी बड़े दिनों बाद, दो तीन हफ्ते बाद व्लॉग बन रहा है। एंड अभी क्या सीन है, अभी हम जा रहे हैं मंदिर को जा रहे हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, एक बजने वाला है। और अभी हम हैं नैनीताल वाली रोड में और यहाँ पर सभी गन्ने का जूस। पहाड़ों में भी बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है और चलो चलते हैं। अब किसी का आंसर होगा, किसी का कुछ होगा, क्या होगा, क्या माचिस दे दो। माचिस से क्या करोगे? तो भाई आज का मौसम कुछ ऐसा है कि हवा हवा चल रही है, बाकी ठंड। तो भाई लोगों हम मंदिर पहुंच गए। इससे पहले आपने देखा था कितना जाम लगा था नैनीताल भीमताल वाली रोड में, और इससे पहले आपने थोड़ी सी भैंस भी देख ली थी, तो उसकी बात हम आपको थोड़ी देर बताएंगे। पहले हम प्रसाद लेते हैं, ठीक है? यहाँ से नैनीताल और भीमताल वाली रोड में बहुत ही तगड़ा जाम लगा था, मतलब हम दूसरे रास्ते से आए थे। यहाँ की खानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या हुआ था, ठीक है? बाकी अभी हम थोड़ेगा मंदिर आ चुके हैं। ये तो भाई आ चुके हैं मंदिर, और भाई यहाँ से नीचे का नजारा देखो भाई, ये देखो वो जो सामने भीमताल ले गए यहाँ। तो ऊपर हम कोड़ागाल मंदिर पहुंच गए, तो अभी दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी दर्शन हो चुके हैं और यहाँ सामने नजारे देख सकते हैं, भीमताल का नजारा है वो सामने से। बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है यहाँ से। टाइम हो चुका है 2 बजे। लग रहा है भाई रोड ऐसे जा रही है, ये वगैरह वगैरह, ऊपर मंदिर है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भी हम आपने इससे पहले देखा कि हम घोड़ाखाल मंदिर गए थे, अभी हम आ गए हैं भालूगढ़। वाटरफॉल है तो एक नए वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। एंड जो ये है वो रामगढ़ मुक्तेश्वर साइड को है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा ही ठंडा हो रहा है, चिल्ड मौसम हो रहा भाई, कसम से कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी सब आगे लोग जा रहे हैं। और भाई यहाँ पर खेती वेती इतनी हो रही है ना, बहुत प्यारी खेती हो रही है भाई यहाँ पर। इससे पहले मैंने देखा था ना यहाँ पर ना गोभी की गोभियाँ हो रही थी, बहुत सी चीज़ें, काफल वाफल भी लगे थे। और पूरा देखो तो ये है, तो ये है भालूगढ़ वाटरफॉल। ₹50 जो है शुल्क प्रति व्यक्ति है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है जैसे मेरा पीछे देख रहे हो, बट अभी भैया लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है, भालूगढ़ वाटरफॉल में पानी नहीं है, तो ये एंट्री भी नहीं दे रहे। वैसे यहाँ ₹50 एंट्री फीस है, तो अब देखते हैं क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे। और यहाँ से 950 मीटर चलना है, बट जो प्लेस है ना वो ऑसम प्लेस है भाई। तो यहाँ पानी कम है, तो देखते हैं भी क्या प्लान करेंगे इसके बाद, तो वेट करना थोड़ी देर। तो भाई अपना प्लान तो हो चुका है कैंसिल, हम नहीं गए जा रहे हैं वाटरफॉल। तो अब यहाँ से देखते हैं कौन सा वाटरफॉल जाएंगे, क्योंकि दूसरा वाटरफॉल चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं। छोटा सा वाटरफॉल है, देखते हैं वहाँ, देखते हैं पानी है नहीं है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस गैस करिए हम कहाँ होंगे, पीछे का व्यू देख के बताओ। तो अभी हम हैं धानाचूली, और पहले हम गए थे एक वाटरफॉल जो कि वहाँ पर पानी कम था, तो हम वापस आ गए थे। तो अभी हम धानाचूली आ गए हैं जो रामगढ़ से 7 किलोमीटर ऊपर है। एंड पीछे का व्यू नज़ारा देखो भाई, रिसोर्ट वगैरह है सभी रहने के लिए।
क्या सही लग रहा है ना भयंकर, आगे पीछे सीढ़ीदार खेत वगैरह कितने मस्त लग रहा है ना। और आगे से चेकआउट करो, देखेंगे कैसा है। ठीक है दानाचुली, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट यहाँ पर ना मौसम एकदम चिल्ड हो रखा है, ठंडा हो रखा है भाई बहुत। अभी ऑलमोस्ट हो रहा होगा 21-22 डिग्री हो रखा होगा, शाम को जा सकता है, कम हो सकता है 15-14 हो सकता है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ठीक है, पर किस तरीके से खेती कर रही है यहाँ पर, पूरी विलेज लाइफ गाँव की। नहीं लग रहा ना, मतलब ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, थोड़ा सा ना बॉडी भी चार्ज रहती है मेरे हिसाब से। तो जो मुझे फील होता है कि थोड़ा मतलब पहाड़ वगैरह चढ़ने चाहिए। सर देखो यहाँ पर, देखो किस टाइप के पत्थर, एकदम चिकने, मतलब यहाँ पर ना जो घर वगैरह बनते हैं ना वो इसी उसके बनते हैं, इसी पत्थर के बनते हैं। यहाँ पर ईंटें वगैरह कोई यूज़ वगैरह नहीं होती है। वहाँ का तो व्यू यहाँ पर अच्छा ही होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है, 5:05 हो रहा है, 5:05 हो रहा है इवनिंग का, एंड सनसेट भी दिखाएंगे इसके बाद। बहुत अभी तो सूरज देवता ने बहुत तगड़ी गर्मी कर रखी है भाई सब जगह, बट यहाँ पर थोड़ा मौसम रिलैक्स है भाई। तुम आप चेकआउट भी कर सकते हो, देखो मैं कहाँ नीचे, बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही है। कल हल्द्वानी में पता बारिश आई थी, वैसे तो आजकल सब जगह बारिश हो रही है, बिकॉज मौसम ही कुछ अटपटा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत हो गई है कसम से कह रहा हूँ। तो वहाँ पर सब लोग हैं, नीचे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल ही रहे हैं सामने, पता नहीं अंटी खेल रहे, पता नहीं क्या खेल रहे। तो भाई लोगों, अब मैं आपको देने वाला हूँ इस होम स्टे का रूम टूर। ठीक है, ये देखो तो ये कोई स्पॉन्सर प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होम स्टे कैसे होते हैं, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं अपने व्यू से दिखाना चाहता हूँ कि कैसा है। ठीक है, ये तो आप पूरा ड्राइंग रूम कह सकते हो इसे, और ये किचन। आई नो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अब ऊपर वाली बालकनी। ठीक है, पहले तो यहाँ हमें एक ये मिलता है भाई, यहाँ पर झूला झूल लेते हैं, और तभी अचानक से बारिश आ गई कि ऊपर से देखो वहाँ से बारिश का मौसम हो गया और बारिश की बूंदें पड़ने लग हो गई हैं स्टार्ट। वहाँ से धूप आ रही है, यहाँ से बादल आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ना जब हम आए थे ना तो ये चेहरे में पानी था, तो बारिश तो आएगी भाई, क्योंकि देखो वहाँ से कितना तगड़ा मौसम हो गया, वो सामने देख रहे हो, और यहाँ धूप। वो तो भाई इससे पहले आपने देखा था ना धूप निकली थी, और जस्ट ये देखो नज़ारा, बारिश होना स्टार्ट हो गया है, कितना पूरा पूरा बादल आधा आ गए पूरे पहाड़ों में, और मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकने वाली, बिकॉज ना ये पूरे बादल पूरा कवर कर दिया है स्काई को, बारिश होने स्टार्ट हो गई। ये अभी समर की फर्स्ट बारिश को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई देखो कितनी तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई, देखते पीछे इतना प्यारा सनसेट हो रहा था ना, बादलों के बीच से थोड़ी सी रोशनी निकल रही थी, बट वो ना मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दोबारा हो तो पक्का श्योरली आपको दिखाऊंगा। भाई आगे का व्यू देखो, चेकआउट करो, अभी थोड़े बादल हटेंगे ना तो धीरे धीरे, मैं ना टाइम लैप्स लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 1-2-3 गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड अभी बज गए सुबह के 5:30 बज गए, एंड मैं आपको
व्यू दिखा रहा हूँ भाई, नीचे का ना पूरा कोहरा लग रहा है, तगड़ा एकदम भयंकर, मजा आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये देखो सेब का पेड़ है, मैं फर्स्ट टाइम इतने नजदीक से देख रहा हूँ सेब का, और इसमें फल भी लगे, सेब भी लगे। ये देखो, ये इतना छोटा पेड़ है ये, और फल आ रखे हैं यार। नहीं देखो भाई, एक लौता घर है वहाँ पर, मतलब है 100 मीटर के आसपास घर हैं, बट वो एक लौता वहीं पर एक घर है। अपने ज़माने में वहाँ पर कितनी चहल पहल होती होगी ना। देखो देखो सही, एक एक लौता घर है यार वहाँ, मुझे देख के दुख हो रहा है। मैं कुछ कर तो नहीं सकता, बस आपको खुद समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई अभी मेरी बहन के बीच मेरे डिस्कशन चल रहा था कि ये कौन सा पेड़ के फल है, आप ही बताओ। ये कह रही नाशपति, मैं कह रहा हूँ अनार, क्योंकि अनार के आगे से ना ये जो कुछ होता नहीं है वो उसके फूल वगैरह वो निकलते हैं। तो आपने देख लिया, बताना कि कौन सा पेड़ है जो ये। भाई सही में यार, यहाँ ना हर किसी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, मतलब लोग खेती एकदम ह्यूज अमाउंट में होती है। फ्रेश माल आता है भाई पूरा यहाँ से, फ्रेश हल्द्वानी। अरे भाई चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। खेत देखो यार, धाना चुली के यहाँ पर भूमि देवता का मंदिर। तो कितना स्टीप है यार ये, ऊपर से आने में नीचे से आने में बहुत स्टीप है कसम से। देख लो भाई, आलू के पेड़ ऐसे होते हैं। भाई ये सांडे ने हमारा रास्ता रोक रखा है, आजा। कसम से नाक फुलाई थी ऐसे, पूरा मारने को आ रहा था।